आज हम बात करने वाले हैं लिंची टैबलेट के बारे में। लिंची टैबलेट क्यों लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए? देखिए, लिंची टैबलेट एक विटामिन सी टैबलेट होती है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन सी क्या होती है और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, क्या काम करती है हमारी बॉडी। विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में ठहरता नहीं है। ये विटामिन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होने के बाद ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। इसलिए हमें विटामिन सी रोज़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है, यूरिन के थ्रू ये बाहर आ जाता है। साथ ही हम जानते हैं कि विटामिन सी क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, विटामिन सी हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर कोलेजन टिश्यू बनाता है। ये टिश्यू हमारे बहुत सारे बॉडी सेल्स को पास पास रखता है, जिससे कि हमारी स्किन अच्छी रहती है और हमारी स्किन में टाइटनेस रहती है। इसके अलावा हेल्थी बोन्स और टीथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में विटामिन सी के बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है और एनीमिया में भी फाइट करने के लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं लिंची टैबलेट के बारे में। ये एबॉट कंपनी की होती है, इसे एबॉट कंपनी बनाती है और इसमें 5 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसे हम डेली ले सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, जिसे हम डेली ले सकते हैं। ये एक च्यूएबल टैबलेट है जो टॉफी की तरह खाई जाती है, हम इसे बिना पानी के भी खा सकते हैं। ये लिंची टैबलेट आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल सकती है। इसमें 1 स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स होती हैं, जिसका रेट लगभग 22 रुपये है। बहुत ही एफोर्ड और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स में आपको बहुत ही हाई लेवल विटामिन सी मिल सकता है। थोड़े से एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, क्रैनबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, जिसमें बहुत ही हाई लेवल विटामिन सी आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। हर मेडिसिन उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी में ठहरता नहीं है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट, फटीग हो गया, नोजिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। हमने यहाँ चार्ट दिया हुआ है जिसे देखकर हम बॉडी की डेली की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट हम देख सकते हैं। हमें विटामिन सी कितनी लेनी चाहिए और कितनी नहीं लेनी चाहिए, ये चार्ट देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किस मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं। अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।